दोस्तों सर अमरीश पुरी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 2005 में उनका निधन हुआ था। दोस्तों उनका निधन वो इसी घर में हुआ था, यहीं से उनकी अर्थी या अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों मैं उनके घर पर हूँ, आप देख सकते हैं, उनके घर का नाम है वरदान, यही उनकी घर है। अभी हम जा रहे हैं अमरीश पुरी सर का घर देखने, वरदान वर्धमान नाम है घर का, जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। तो वो उसी घर से निकाले गए थे जो उन्होंने खरीदा था, जुहू में ये घर है। चार रास्ते से हमको आगे जाना है, फौरन देखे यहाँ से चलो। सब लोग आजू बाजू में ही रहते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। पीछे ले लो, घुमा लो गाड़ी, घुमा लो, मिल गया भाई, यू टर्न ले लो। साइड में ले लो, इधर वो कार के पीछे, इधर साइड में लो। तो उधर गाड़ी वो कार के पीछे खड़ी कर दो। सर यही घर है ना अमरीश पुरी सर का? हाँ बोलते हैं यही है। हाँ चलो ठीक है, वरदान। दोस्तों मैं हूं अभी मुंबई के जुहू एरिया में, और आज मैं आपको एक ऐसे एक्टर का घर दिखाने वाला हूं दोस्तों, जिन्हों के एक्टिंग की कोई मिसाल ही नहीं है। मतलब अगर मैं बताऊं तो मेरा पूरा बचपना उनकी फिल्में देखने में, और ऐसे जो मेरी एज के और मुझसे बड़े लोग हैं उनकी फिल्में देखने में गुजारी हैं। दोस्तों एक ऐसे एक्टर जिनको विलन का एक ऐसा अवार्ड दिया गया है, मैं मानता हूं कि उनके जैसा विलन का रोल कोई नहीं कर सकता। अगर हम लोग सीरियस रोल में आए तो उनके जैसा बाप का रोल कोई नहीं कर सकता। बॉलीवुड के एक ऐसी पर्सनालिटी जो जिनको सभी पसंद करते हैं, जिन्होंने एक ऐसी एक्टिंग की है बॉलीवुड की दुनिया में कि जिन उन्होंने अपना एक अलग ही नाम बनाया है दोस्तों, वो हैं अमरीश पुरी। दोस्तों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की हैं, सनी देओल सर के साथ में, बॉबी देओल सर के साथ में, और बड़े बड़े एक्टरों के साथ में उन्होंने फिल्में की हैं, और उनकी बॉलीवुड में एक अलग ही जगह है। दोस्तों सर अमरीश पुरी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 2005 में उनका निधन हुआ था। दोस्तों उनका निधन वो इसी घर में हुआ था, यहीं से उनकी अर्थी या अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों मैं उनके घर पर हूँ, आप देख सकते हैं, उनके घर का नाम है वरदान, यही उनकी घर है। जब दोस्तों मेरे पास उनका एक पुराना फोटो है, जब उनका निधन हुआ था, जब उनकी अर्थी निकाली जा रही थी, तो वरदान जहाँ लोगों अभी दिख रहा है वो लोगों भी उसमें दिख रहा था। तो दोस्तों आप सर का घर देख लीजिए, अमरीश पुरी जिनको अभी तक आपने फिल्मों में देखा था, उनके जो फिल्मों में दिखाए हुए घर थे वो देखे थे, आज उनका आप असली घर देख लीजिए। दोस्तों यही घर में रहते थे अमरीश पुरी, अब तो उनको गुजर के बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर बॉलीवुड की जानी पहचानी पर्सनालिटी अमरीश पुरी सर रहते थे। दोस्तों अभी यहाँ पर एक अंकल थे, एक्चुअली वो यहाँ पर अभी वो अंदर चले गए। उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे थे, और 15 से 16 साल उनकी डेथ को हो चुके हैं। दोस्तों उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पर काम करने आए थे तो अमरीश पुरी सर जब यहीं पर रहते थे, और बहुत बार उनकी अभी घर के सामने ही रहेंगे, तो कितनी बार उनकी मुलाकात हुई, कितनी बार देखे हमने उनको, सिर्फ फिल्मों की दुनिया में देखा था, सिर्फ फिल्मों के रोल में देखा था, कभी विलन के रोल में, कभी बाप के रोल में, कभी कोई, बट
आज मैं उनके घर पर आया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर अमरीश पुरी का घर आपको पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर उनके बच्चे रहते हैं, वो तो है नहीं है, ये जुहू एरिया में थे। दोस्तों ये जो गेट है, ये गेट अमरीश पुरी सर का है और ये किसी, ये वाला जो गेट है ये किसी बिजनेसमैन का है। ये वाले भाई हैं, भाई आपका नाम क्या है? राज कुमार भाई का नाम है। ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में है और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कुछ दूसरे हैं। इन्होंने हमको बताया था कि यही है और क्या बोलते हैं अमरीश पुरी सर का घर। और एक वो वाले वॉचमैन थे, वो बहुत पुराने वॉचमैन हैं, उन्होंने हमको बताया कि उनको तो 20 साल हो गए यहाँ पर काम करते करते। उन वो तो अमरीश पुरी सर को बहुत बार देखे थे क्योंकि जब कोई भी कहीं पर रहेगा तो इधर से आते जाते तो रहेंगे ही। तो यहाँ पर ये घर देखकर उनकी बहुत पुरानी पुरानी फिल्मों की याद आ गई है, जैसे कि गदर फिल्म, जैसे कि घातक फिल्म, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ऐसे बहुत सारे फिल्म। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमको कभी मालूम पड़ा था कि ये उनका घर है? इसमें भी काम किया तुमने? अच्छा इसमें भी काम किया। अभी उनके बच्चे रहते हैं इधर? अच्छा तो उनके नाती पोता रहते हैं इधर। यार तुमको भी ऐसा लगता होगा ना, तुम भी घर पे डायरेक्ट बोलते होंगे कि अमरीश पुरी के बंगलों में काम करता हूँ। तो जो लोग, मतलब मैं भी एक्चुअली गांव वाला ही हूँ, तो जो भी लोग गांव से आते हैं और किसी भी, अभी मैं अनिल कपूर सर के जो सिक्योरिटी गार्ड से उनसे भी मिला, उनके साथ में भी मेरी वीडियोज़ बनी है, तो उन्होंने भी बताया कि एक अच्छा लगता है अपने को भी ना डायरेक्ट बोलने का कि भाई अमरीश पुरी के घर पर काम करता हूँ। तो क्या ऐसा थोड़ा बोलने में मज़ा आता है? क्यों मज़ा आता है उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज़ हमारा जो बचपन का वक्त गुजरा है वो वक्त और हमारा और भी बहुत सारे लोगों का, तो बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और जिन मूवियों में हमने इनको ही कंटिन्यू देखा है, तो एक इच्छा रहती है कि यार उनको देखें, उनका घर देखें, उनका परिवार देखें। तो अब वो तो रहे नहीं हैं, उनका निधन 2005 में इसी घर में हुआ था, यहीं से उनका अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन आज भी उनका घर है। थैंक यू भाई, थैंक यू राजकुमार भाई, वेलकम टू फाइन व्लॉग। वॉचमैन से पूछा तो ये पता चला ये जो घर है अमरीश पुरी सर का है, जिसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं और ये जो फॉर्चुनर खड़ी है बाहर ये उनके बेटे की है, उनकी नाती रहती है, उनका बेटा रहता है, मतलब 3 लोग अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए।